तो गाइस हम आ जाए हैं जयपुर और यहाँ का सबसे बड़ा कोचिंग हब जो मेरे आप पीछे देख सकते हैं और राजस्थान का सबसे बड़ा कोचिंग हब इसी को बोला गया है। और सबसे बड़ी बात, जो कोचिंग्स पहले बिखरी हुई थी इधर उधर, उनको सब कुछ समेट के आप पीछे देख सकते हैं कि जो पूरा काम चल रहा है, अभी बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई है और कई रुपए लगे इसको बनाने में, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जो मैं सारी जानकारी यहाँ की देंगे आज, तो उन्हीं का हम वेट कर रहे हैं। बाकी यहाँ का जो नज़ारा है आप मेरे आपको दिखाऊंगा अच्छे से पूरा। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो गार्ड वाला एरिया है, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का रूम है। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं कि जो रोड है, ये वाला रोड है जो प्रतापनगर से सीधा निकलते हुए जगतपुरा की तरफ मिलता है। अब हम वेट करते हैं उनका जो हमें यहाँ की जानकारी देंगे। ये यहाँ का 3D मैप है। साहब ने बताया 2500 करोड़ रुपए की लागत लगी है यहाँ पे। अब हम सीधे चलते हैं ऊपर की ओर, मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ से स्टेयर से लिफ्ट से हमने पूछा था, लिफ्ट बंद थी, तो हम चलेंगे स्टेयर के थ्रू। तो मैप में देख लिया होगा आपने और जो फिजिकल वर्क है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर शिक्षा दे पाएंगे और ये यहाँ का मेन जो बालकनी है वो वाला एरिया है, ओपन है। और मेरे राइट में आप देख सकते हैं कि ये लिफ्ट है और जो नीचे हॉल बताया था, वो जो मीटिंग हॉल बताया था, ऑफिस बताया था, वैसे ही हॉल एक के ऊपर एक कई सारे, एक इधर भी है और एक इधर भी है। और सीटियाँ इस तरफ से भी जा रही है यहाँ का बालकनी वाला एरिया और वापस सीटियाँ यहाँ पर।
तो यहाँ से वापस चले गए ऊपर। बाकी बिल्डिंग बनाई, बहुत अच्छी बनाई है। बाकी 3D में मैंने आपको दिखा दिया, मॉडल ने आकर दिखा दिया। अब हम टॉप पे चलते हैं, हमें कुछ मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। बहुत बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, लिटरली बहुत ज़्यादा हीट है। देखो आप नीचे, और जो नीचे था सेम वैसा के वैसा ऊपर बना हुआ है। वापस से मीटिंग हॉल, वापस से स्टेयर्स, वापस से लिफ्ट आ चुकी है। वहाँ पे मीटिंग हॉल है कोने कोने में, और ये भी एक मीटिंग हॉल है। और जो नीचे जाली लगी हुई थी वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काम अब चलेगा। बाकी आप थोड़ा पास आएंगे तो ये देखिए, एक बिल्डिंग हम खड़े हैं, दूसरी बिल्डिंग में थर्ड वो फोर्थ ये, और फिफ्थ वाली जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बन रही है। सौ फुट के ऊपर है अपन इस वक्त, 100 फुट की हाइट है जो हमने सीढ़ियों से कवर कर ली है। अब हम चलेंगे इस तरफ से सीढ़ियों की तरफ, पहले उधर से थे, अब इधर जाके बताता हूँ। और ये वो मीटिंग हॉल है, ये ऑफिस को बोलते हैं। ये है प्रताप नगर, पूरा दिखता है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर हम आ चुके हैं। अराउंड 100 से 150 फीट की हाइट पर हैं, जो सीढ़ियों से कवर किया हमने। अभी तो बहुत ऊपर जाना है, बिल्डिंग के साथ साथ हमें वीडियोस में भी काफ़ी ऊपर जाना है। अभी शुरुआत की है, आगे की कहानी पता नहीं क्या होगी, लेकिन मेहनत जारी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियोज़ को, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्योंकि जो पूरा जयपुर राजस्थान का जो कोचिंग हब है, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज, सारी क्लासेस, सारे कोचिंग्स, सारे जो नोट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। सारे टीचर्स यहाँ मिलने वाले हैं, एक ही बिल्डिंग के नीचे सब कुछ आपको प्रोवाइड होने वाला है आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। अभी इस बिल्डिंग का काम चल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जाएगा और सारी कोचिंग्स यहाँ पर आके सेपरेट हो जाएगी। प्राइस वगैरह मैंने आपको बता दूँगी, नीचे काफ़ी हाइएस्ट प्राइस है। और कोचिंग यहाँ बहुत जल्दी खुलने वाली है, तो प्रताप नगर के अंदर सब कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली है। ये एक सपना था कि किसी ज़माने में यहाँ पे कोई कोचिंग हुआ करती थी, लेकिन अभी तक कोई कोचिंग नहीं है। लेकिन जब बनी तो राजस्थान की सबसे बड़ी कोचिंग अब यहाँ बनी है प्रताप नगर इलाके के अंदर। अब हम चलते हैं सीधा ऊपर, और छत का भी मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर यहाँ का बाहर का बालकनी वाला एरिया है, सीटें पास नहीं है, सीढ़ियों से चलते हैं सीधा ऊपर। और कैसे हम आ चुके हैं छत पे, और एक दरवाजा बना रखा है, सिक्योरिटी बिल्कुल टाइट है यहाँ की। अब आपको दिखाएंगे ओपन रूफ, जिसका दरवाजा यहाँ खुलता है। अराउंड 200 फीट के ऊपर है यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, और ये यहाँ का पूरा ओवरव्यू है। ये बिल्डिंग कैसे बनाई होगी ये कॉन्ट्रेक्टर ही जानता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि हम कितनी हाइट पे पीछे आएंगे कह रहा था। बाकी आप छत देखिए इतनी बड़ी छत है, 200 फीट आने के बाद 200 फीट की हाइट बहुत बड़ी हाइट होती है गाइस। और दीवार इतनी ऊंची है कि मतलब मेरे कंधे तक तो दीवार है, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो कोई गिरेगा नहीं यहाँ से। बाकी आपको मैं पूरा दिखाता हूँ बाहर से, यहाँ से जो जयपुर का नज़ारा है वो कैसा है 200 फीट की हाइट आने के बाद में। वो बिल्डिंग्स भी हमें काफ़ी छोटी नज़र आ रही है पीछे वाली। हमारे सामने जो आपने देखा अभी, ये एयरपोर्ट वाला इलाका है, और इधर है टोंक रोड वाला इलाका जो प्रताप नगर वाला है, वो एयरपोर्ट वाला है। धूप आ रही है इसलिए हम थोड़ा सा साइड होंगे एक बार। तो
200 फीट हाइट आने के बाद में ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो किसी पहाड़ पे चढ़ना होता है और ये बिल्डिंग इतनी ऊंची बनाई है गाइस कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ आने के बाद में आपको पता चलेगा कि लिटरली वास्तव में ऊंची बिल्डिंग बनाई है। और आई होप कि पढ़ाई के स्तर में भी काफ़ी ऊंचा मिलेगा यहाँ पे सब कुछ, सारे मतलब जो टीचर्स हैं आपको एक ही बिल्डिंग के नीचे मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि मतलब यहाँ की फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और सब कुछ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है वैसे तो। और एक आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि 200 फीट हाइट पे हम तो आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आप भी हमें सपोर्ट दे के हाइट पे ले जाए तो अच्छा रहेगा। तो यही था आज का अपना जो क्या का टूर था, हमें परमिशन ली पहले, परमिशन मिलने के बाद में हम अंदर आए, साथ में हमारे गार्ड था उसे सब कुछ बताया, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का 3D मॉडल, यहाँ का 2D मॉडल, यहाँ का जो नक्शा था वो। यहाँ पे सेम ऐसी जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ऐसी 5 बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें से 3 कंप्लीट हो चुकी है, जो मेरे पीछे की तरफ है वो सेकंड नंबर की है, उसके आगे थर्ड, फिर फोर्थ, और फिफ्थ का जो मैंने बताया था उसका काम चल रहा है। तो मैं आपको ओवरव्यू हाइट से यहाँ का जो सेंट्रलाइज पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो कैमरामैन सीधे चलेंगे उस पॉइंट पे, यहाँ का पानी का सिस्टम, ये फर्स्ट बिल्डिंग है, वो सेकंड बिल्डिंग है आप देख सकते हैं, वो थर्ड, तो फोर्थ एंड फिफ्थ वाली यहाँ बन रही है आप देख सकते हैं 360 व्यू में। ये फिफ्थ नंबर की बिल्डिंग है और आप राइट देखिए पूरा यहाँ काम चल रहा है, दीवार काफ़ी ऊंची है और आप इधर देख सकते गार्डन वाला एरिया है, गार्डन बनेगा यहाँ पे। और आप इधर देख सकते हैं ये वापस से एंट्री गेट आ चुका है नीचे की तरफ, जो मैंने दिखा दिया है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है उन्होंने। तो ये था गाइस आज का यहाँ का सफर, यहाँ का कोचिंग का टूर हमारा, और काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। ये तो अब पता चलेगा तब जब यहाँ के कोचिंग्स खुलने स्टार्ट होंगे, यहाँ पे क्लासेस वगैरह स्टार्ट होगी। लेकिन हाँ, एक उम्मीद ज़रूर है कि सारी जो फैसिलिटीज़ है, सारे टीचर, सारे सब्जेक्ट्स, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और मतलब कहीं भागने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये टीचर चाहिए तो मुझे वहाँ भागना है, मुझे ये टीचर चाहिए सब्जेक्ट का तो मुझे यहाँ जाना है। तो आपको एक ही छत के लिए सब कुछ मिलने वाला है। और जो पीछे वाला एरिया है ये यहाँ का मतलब बालकनी वाला एरिया है, और जो पीछे देख रहे हैं आप लिफ्ट है, और अराउंड ये 7 से 8 फ्लोर है, तो काफ़ी हाइट में भी बिल्डिंग बनाई है। बाकी लिफ्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं ऊपर, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लिफ्ट बंद थी इसलिए हम गए हैं सीढ़ियों के थ्रू। और गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस नीचे में जाके आया था, नीचे काम चल रहा है, नीचे काफ़ी बड़ा बेसमेंट है, अंडरग्राउंड है, तो नीचे अंधेरा है तो कोई मतलब नहीं जाने का, काफ़ी मशीन वगैरह भी चल रही है तो वहाँ पर आपको साउंड प्रॉपर आएगा नहीं। तो मैं आपको यहाँ का कंस्ट्रक्शन है वो दिखाता हूँ एक बार। तो गाइस मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है जहाँ से हम घुसते हैं, हम घुसे थे बिल्डिंग के अंदर से, हम पीछे गार्डन पार्किंग रूम में आ गए, यहाँ पे पार्किंग भी रहेगी, पार्किंग फ्रंट में भी है, यहाँ गार्डन भी होगा। और ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे आप देख रहे हैं इसका काम चल रहा है, इस बिल्डिंग का ये लास्ट बिल्डिंग है, अब यह क्लियर दिख रहा होगा। और वापस मैंने आज साहब को बताया ये एंट्री गेट था, सीधी गाइड है यहीं से एंटर होगी, जो भी स्टाफ होगा, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होंगे उनकी मेन एंट्री यहीं से होगी, यहाँ से एंटर होने के बाद में जो मेन एंट्री होगी बिल्डिंग में वो इस तरफ से होगी। हम फ्रंट से घुसे थे वो नहीं है, लेकिन जो मेन स्टूडेंट की एंट्री होगी इधर से होगी, जो 3D में अपने अंदर बताया गया मॉडल के अंदर वो यही का नक्शा था। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ थे और इस बिल्डिंग में सेम ये वाली जगह थी जिसमें हम खड़े थे, हम बहुत ऊंची बिल्डिंग है गाइस, बहुत ऊंची। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे शॉप्स वगैरह होगी वो यहाँ ओपन हो सकती है, लाइक फास्ट फूड या फिर
कोई भी ई मित्र की दुकान या फिर कुछ भी शॉप्स वगैरह जो है मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, राइट में भी यही है, लेफ्ट में भी यही है, और जो अंदर रहेगा वो क्लासेस का सीन रहेगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एंट्री गेट है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी प्यारा बनाया है इसको। और मेरे राइट में जो बताया था मैंने आपको, मेरे लेफ्ट साइड में ये दुकानें हैं यहाँ की, तो यहाँ के शॉप्स वगैरह ओपन होने वाली है कुछ टाइम बाद में। पीछे आप देख रहे हैं दुकानें हैं, काफ़ी सारी दुकानें, आप देख लीजिए एक बार, ऐसा राइट में भी है ऐसा लेफ्ट में भी, दोनों तरफ दुकानें खोली यहाँ पे। और दुकानों में ऐसे रहेगा कि लाइक फास्ट फूड हुआ, कोई मित्र की दुकान हुई, या फिर कोई कैफ़े हुआ, कुछ भी खुल सकता है यहाँ पे, ताकि स्टूडेंट को सारी फैसिलिटीज एक ही बिल्डिंग मिल जाए। और अंदर बताया कि यहाँ पे जो सारी शॉप्स वगैरह है बिक चुकी है, काफ़ी हाईएस्ट कॉस्ट है यहाँ की, कॉस्ट में नहीं बताऊँगा आपको। और मेन जो रोड है वहाँ से बिल्कुल 50 मीटर अंदर की तरफ बिल्डिंग है। लेफ्ट में भी शॉप्स है, ये मेन गेट हुआ एंट्री, और ये गार्ड वाला रूम, और ये देखिए आप राइट, दोनों तरफ शॉप्स है जहाँ कोई भी शॉप्स ओपन हो सकती है। और हमारा सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।